मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.4 के फर्स्ट क्वेश्चन के बी पार्ट तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी पार्ट देखो। ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी हाइट कितनी है? h सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, एंड जो लेंथ है वो हाइट की 5 टाइम्स है, एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर लेस है लेंथ से, ठीक है। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। अभी कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ को हाइट की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? हाइट गिवन है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, तो हमने लिखा हाइट ऑफ बॉक्स कितनी गिवन है? एच सेंटीमीटर। कितनी है? एच सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट। इसकी लेंथ जो है वो हाइट की 5 टाइम्स है, तो लेंथ ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगी? 5 टाइम्स हाइट की। हाइट कितनी है? एच 5 h सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन दी लेंथ। जो ब्रेथ है वो लेंथ में से 10 सेंटीमीटर लेस है, तो लेंथ कितनी? 5 h। और इसकी जो इसमें से क्या लेस करेंगे? 10 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितनी आ गई? 5 h माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमें वो कह रहा था कि इनको हाइट की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो इनको हमने हाइट की ही फॉर्म में क्या किया है? एक्सप्रेस किया है, ठीक है बच्चों। हाइट ऑफ बॉक्स गिवन थी h सेंटीमीटर, लेंथ कह रहा था कि हाइट का 5 टाइम्स है, तो क्या हो गई? 5 h। फिर ये बोल रहा था कि जो ब्रेथ है वो लेंथ में से 10 सेंटीमीटर लेस है, तो लेंथ अगर 5 h है तो उसकी इससे 10 लेस क्या हो जाएगा? 5 h माइनस 10, वो क्या है? ब्रेथ आ गई, ठीक है। अब आप इसका डी पार्ट आपको खुद करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट, ठीक है। वो है ए बस ट्रेवल्ड एट 3 किलोमीटर पर आवर। बस की जो स्पीड है, बस ट्रेवल करती है किस स्पीड से? 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमने लिखा स्पीड ऑफ बस कितनी गिवन है? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब है इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। ये जो बस है वो दसपुर से बीसपुर जा रही है, ठीक है। आफ्टर दी बस ट्रेवल्ड 5 आवर्स, 5 घंटे चलने के बाद बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। 5 घंटे बस के चलने के बाद जो बीसपुर जो था, बस कहां से चली? दसपुर से। दसपुर से बीसपुर जा रही थी, ठीक है। और 5 घंटे चलने के बाद जो बीसपुर जो है वो 20 किलोमीटर और दूर बचा था, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर? अभी कह रहा है कि दसपुर से और बीसपुर की डिस्टेंस क्या होगी? एक्सप्रेस इट यूजिंग वी। इनको हमें एक्सप्रेस करना है वी का यूज करते हुए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा स्पीड ऑफ बस कितनी गिवन है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब बस पहले कितनी, बस कहां से कहां तक जा रही है? दसपुर से बीसपुर तक। हमें दसपुर से और बीसपुर की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बस दसपुर से चलना स्टार्ट हुई, बस जब 5 घंटे चली, कितने घंटे चली? 5 घंटे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर, तो 5 घंटे जब बस चली तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 5 आवर। और स्पीड कितनी थी उसकी? वी। तो क्या हो जाएगा? 5 v किलोमीटर। ये देखो बस की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है। और बस अगर 5 घंटे चली है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक चलती है और 5 घंटे चली है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 5 × v। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर कितनी थी उसने? 5 v किलोमीटर, ठीक है। अब 5 आवर में उसने 5 v डिस्टेंस उसने कवर कर ली बस ने। अभी कह रहा है कि 5 घंटे चलने के बाद जो बीसपुर था वो अभी 20 किलोमीटर दूर
दौड़ो 10 फुट से 20 फुट की, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी। अब देखो जब बस 5 घंटे चली, 10 फुट से वो स्टार्ट ही चल रहा, 5 घंटे चली तो उसने डिस्टेंस कवर की 5 किलोमीटर, ठीक है। और 5 घंटे चलने के बाद कितनी डिस्टेंस और बच गई, 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 5b + 20 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस 10 फुट से 20 फुट की क्या होगी, 5b + 20 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, उसको हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में वो करना है, एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज क्या होती है, अब आपने पिछले क्वेश्चंस पढ़े थे उनमें क्या दिया हुआ रहता था कि लेंथ जो है वो 5 times मोर है, इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, वो देखो, स्लिम स्कोर्स ऑल रन्स इन ए क्रिकेट मैच, स्लिम जो है वो एक क्रिकेट मैच में आर रन स्कोर करता है, ठीक है। फिर है नलिन स्कोर्स आर प्लस 15 रन, और जो नलिन जो है वो आर प्लस 15 रन स्कोर करता है, सलीम ने कितने रन स्कोर किए, आर रन, और नलिन ने आर प्लस 15, ठीक है। तो इसकी अगर ऑर्डिनरी लैंग्वेज बनाएंगे तो वो क्या होगी, नलिन स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम, ठीक है। सलीम ने आर किए थे और नलिन ने 15 + r, तो वो 15 ज्यादा कर रहे थे, हमने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखा, स्लिम स्कोर्स 15 रन मोर देन सलीम, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार एक नोटबुक कॉस्ट रुपए p, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, ₹p, एक बुक की कॉस्ट रुपए 3p, और एक बुक की कॉस्ट कितनी है, 3p। अब आपको एक नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है p और नोटबुक बुक की कॉस्ट दे रखी है 3p, तो आपको इनको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, a बुक कॉस्ट 3 times कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ठीक है। ए बुक कॉस्ट 3 times कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट थी ₹3 और बुक की कॉस्ट थी 3p, तो बुक की कॉस्ट जो है वो 3 times ज्यादा है ना, 3 times है, नोटबुक की कॉस्ट के, तो हमने क्या लिखा, ए बुक कॉस्ट 3 times कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ठीक है बच्चों। अब हमने कंप्लीट सेकंड